नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल विलेज फार्मिंग अलवर में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे हम नीरा कुलान के बारे में, जो कि एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। एक इसी की सिमिलर दवा है जो मेराकुलान थी, उसका वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं, परंतु वो दवा है जो धीरे धीरे बाज़ार से गायब हो रही है और ये दवा है उसका रिप्लेसमेंट के रूप में बाज़ार में आ रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में भी एक वीडियो बना लिया जाए। तो सेम जो उसमें सक्रिय तत्व था ट्राइकोंटिनोल 0.5% TC, वो ही इसके अंदर है। और सारी बातें वो की वो हैं, जिन फसलों में आप मेराकुलान का यूज़ कर सकते थे उन्हीं फसलों में, सब्जियों में आप है जो इस दवा का यूज कर सकते हैं। अब बात करें जो इनमें डिफरेंस है, मैंने तो इसमें जो ये अफोर्डेबल प्राइस है इसकी, वो जो अपने पास में सोया मिल की दवा थी वो लगभग 60-70 रुपए की आती थी, और जो ये अपने पास में नीराकुलान है जिसमें सेम जो अपना सक्रिय तत्व है वो पाया जाता है और सेम काम ये करती है, परंतु इसकी जो 250 ml की जो बोतल है वो भी आपको 80 से 90 रुपए के बीच में मिल जाएगी। जैसा आप इसमें देख पा रहे होंगे प्रिंट रेट 90 रुपए है इसमें। तो ये था भाई इस दवा के बारे में। अब एक जो महत्वपूर्ण बात मैंने आपको वहाँ पे नहीं बताई थी वो ये है कि इस दवा का यूज आपको कभी भी फसल में उस स्टेज में नहीं करना चाहिए जब अपना जो पौधा है उसका पूर्ण रूप से विकास ना हुआ हो। मान लीजिए आपका जो आप कपास में डाल रहे हैं, ग्वार में डाल रहे हैं, या धान में किसी भी जगह आप इसका यूज़ कर रहे हैं, और आपका यदि प्लांट है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ, तो उस समय आप इसका यूज़ ना करें, क्योंकि ये जो उसकी ग्रोथ है उसको फिर रोक देता है। तो उससे जो अपना प्रभाव है वो अनुकूल ना होके प्रतिकूल हो जाता है। तो आप इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें कि जब पौधे का पूर्ण रूप से विकास हो जाए तो उस समय आप इस ट्राइकोंटिनोल का यूज़ करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।